आपको पता है कि कंप्यूटर क्या है, बाइनरी समझता है, बाइनरी क्या है, जीरो और वन डिजिट, जैसे मतलब जो भी आप इनपुट देते हो कीबोर्ड से एंटर करते हो ए बी सी डी या जो भी लेटर्स हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो कंप्यूटर नहीं समझता है, क्योंकि वो जाके अंदर आगे कन्वर्ट होते हैं किसमें, जीरो और बिट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये लॉजिक है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल हमारा एग्जांपल है 156, ठीक है, 156 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या है 78, क्या है इसका जो रिमाइंडर कितना है, जीरो, फिर 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 4 जाना है रिमाइंडर क्या है जीरो, फिर 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या है जीरो, फिर 2 से 2 1 2 रिमाइंडर क्या है, ये 2 1 तो जाएगा ही, तो वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो बाइनरी इसका जो होगा वो इधर से नहीं होगा, इधर से नहीं होगा, नीचे से लेंगे, ठीक है, नीचे से लेंगे। तो इसका बाइनरी कितना हुआ, इसका बाइनरी कितना 100111100, ठीक है। अगर इसको लास्ट को अगर नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट से इन्होंने एक्स्ट्रा ले रखा है, क्योंकि ये तो जीरो क्या है, क्या मतलब जीरो से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। नेक्स्ट उसमें देखते हैं टॉपिक में कि अब इसका उल्टा देखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये बाइनरी है, ये बेस क्या है इसका, बेस टू, मतलब ये बाइनरी, ठीक है, इसको डेसिमल में क्वेश्चन मार्क कि मतलब हमें कन्वर्ट करना है कि आंसर क्या होना चाहिए पे डेसिमल में, ठीक है। बेस क्या है इसका 10, इसका उल्टा होगा, उसमें हमने डिवाइड किया था, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये आप ये देखो, ये हमारा बाइनरी, ठीक है, 1 to 2 power 1, ये वन को किससे कह रहा है, 2 की पावर, सॉरी 1 into 2 की पावर 0, 1 into 2 की पावर 1, 0 into 2 की पावर 2, 0 into 2 की पावर 3, ऐसे नेक्स्ट टाइम करते जाएंगे।